वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सतनाम टेक में। ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ड्रीम इलेवन टीम के प्रेडिक्शंस के वीडियो के लिए आप इस चैनल को ज़रूर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई प्रेडिक्शन आता है आपको टीम तभी सेलेक्ट करनी है। तो आज दोस्तों हम प्रेडिक्शन लेके आए हैं 21 फरवरी को जो मैच होने वाला है ऑकलैंड वर्सेस कैंटरबरी का। तो चलिए दोस्तों टीम की तरफ चलते हैं और देखते हैं बेस्ट प्लेइंग 11 कौन से प्लेयर हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे क्रिएट टीम पे आ चुके हैं। यहाँ पे जो दोनों ही कीपर हैं दोनों ही अच्छे हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले टीम दिखाऊंगा अगर आप एक टीम उतार रहे हो कोई छोटे लीग में, और आपको सेकंड टीम बताऊंगा जो आप बड़े लीग में उतार सकते हो। चलिए दोस्तों, अगर आप फर्स्ट लीग में उतार रहे हो तो पहले श्योर टीम बता रहा हूँ आपको, आपको पहले ही ग्लेन फिलिप्स के साथ जाना है। और बैटिंग के अंदर हेनरी निकोलस और मिकेल पोलार्ड, ये दोनों श्योर आपको लेने ही लेने हैं। आप बाद में दूसरे प्लेयर तो भी शफल कर सकते हैं, पर ये दोनों एकदम श्योर आपको लेने ही लेने हैं। इसके बाद हम जाते हैं कैम फ्लेचर के लिए, उसके बाद जाते हैं क्रैग चेशोपा के लिए। हम चार बैट्समैन लेते हैं और अभी ऑलराउंडर की तरफ चलते हैं। ऑलराउंडर इस समय पर जो सबसे बेस्ट है वो एंड्रू एलिस है और सीएन सोलिया है। टोडा एसले भी अच्छा है, पर मुझे थोड़ा सा वो रिस्की लग रहा है कि शायद इस बार ना खेले, तो इसलिए हम उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे और इस बार बॉलर की तरफ चलते हैं। तो बॉलर देखा जाए तो तरुण नेथालिया आ गया है और मैट हेनरी के बाद ईडू नुथेल और केली जेम्सन। ये हो गई हमारी फर्स्ट शॉर्ट टीम अगर आपको छोटे लीग में उतार रहे हैं तो, और अगर आप नहीं उतार रहे हैं तो आप टॉम लेथन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं बड़े लीग में, क्योंकि वो भी रन बना सकते हैं अगर बड़े लीग में उतार रहे हो। नहीं तो ग्लेन फिलिप्स तो बेस्ट प्लेयर ऑप्शन है अगर आप शॉर्ट टीम की तरफ जाते हो तो। चलो देखते हैं कौन से प्लेयर आते हैं। तो आप पहले शफल करेंगे, टॉम लेथम को लेंगे अपनी टीम में, तो हेनरी निकोलस, माइकल पोलार्ड फिक्स्ड फॉर्मेट में चल रहे हैं। और इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम खिलाएंगे अपनी टीम से तीनों ऑलराउंडर्स को पहले से रखे, एंड्रयू टोडल नेस्लेट, ये हो गए गैम्बल टोडल एसलेट का, क्योंकि बड़े लीग में खेल रहे हैं इसीलिए। तो इस बार हम खिलाएंगे तरुण नेथले को, जेमी ब्राउन को और टेम जॉनसन को ये हम लेंगे। और अभी टोटल 9 प्लेयर हो चुके हैं। अब बैट्समैन की तरफ जाते हैं तो क्रैग चोशाप को लेंगे, उसके बाद ले सकते हैं उसके बाद आप बेन हॉर्न को भी ले सकते हैं, जीत रावल मेरे ख्याल से कैम फ्लेचर नहीं रहेगा, आप चैट बोवस को ले लीजिए ज़रूर, ये बहुत बड़ा गैम्बल होगा। आप सेव करने के बाद फर्स्ट टीम की बात करें तो फर्स्ट टीम में आपके ऑप्शन होंगे हेनरी निकोलस और माइकल पोलार्ड। इन दोनों में से आप किसी एक को कैप्टन ज़रूर बनाइएगा, और वाइस कैप्टन के तौर पे आप एंड्रयू हिलिस को लीजिए। और सेकंड टीम में भी सेम ऑप्शन है, आप हेनरी निकोलस और माइकल पोलार्ड में से एक तो ज़रूर चुनिएगा। और सेकंड में आप टोड एसले को सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड्रयू हिलिस को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चैट बोवस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं वाइस कैप्टन। तो ये सर जो पहली टीम थी वो थी शॉर्ट टीम, जो सेकंड थी वो बिग लीग में खेलने के लिए टीम थी। और आप आपको रिस्क बताता हूँ, आपको जो प्लेयर नहीं सेलेक्ट करने हैं वो है कॉलिन मुंड्रो मैच नहीं खेलेंगे कंफर्म्ड है, तो कॉलिन मुंड्रो नहीं लेना है। और जो बेस्ट प्लेयर है मार्क चैपमैन, ये भी नेक्स्ट प्लेयर मैच नहीं खेलेंगे, तो इन दोनों प्लेयर्स को अवॉइड करना है। तो चलिए दोस्तों ये थी शॉर्ट टीम, अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलो ओके दोस्तों, गुड बाय।